रहा है माँ बेटी रसोड़ा में सूजी से बहुत ही क्रिस्पी और हेल्दी नाश्ता। चलिए हमारे साथ किचन में। मिक्सिंग बाउल, उसमें डालेंगे 1 कप सूजी यानी सेवोलिना। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बटर मिल्क। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोल्ट यानी नमक। नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। अगर आप बटर मिल्क यूज़ नहीं कर रहे हैं तो, या आप सूजी की क्वांटिटी के जितना दही भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में उसमें 1/4 कप पानी भी ऐड करें। काफ़ी सारी सब्जियां बारीक बारीक टुकड़ों में काट करके ली है हमने। यहाँ हरा धनिया, हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ अदरक, 1 टमाटर, 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर और हमने 1 चम्मच मटर के दानों को काट करके ले लिया है। हम यहाँ लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, उसमें डालेंगे हमारी काटी हुई सारी सब्जियाँ। इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही में ऐड करेंगे काले मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स। सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। हमारे बैटर को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। हमने इसमें 1/2 कप पानी डालकर इसको इस कंसिस्टेंसी आने तक पतला कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा कलर आए। हल्दी मिक्स करने के बाद हम गैस पे रख लेते हैं एक तवा। तवे पे हम डालेंगे हल्का सा ऑयल। ऑयल को हम करेंगे एक टिश्यू से साफ। फैलाएंगे हमारा बैटर इस प्रकार से। इस स्टेज पे हम कर देंगे हमारे गैस की फ्लेम हाई और इसको ऊपर से ड्राई होने तक हम इसको सेकेंगे। ये देखिए कितने अच्छी तरह से हमारे बैटर में बबल्स आ रहे हैं। साइड से हम डालेंगे ऑयल। देखिए एक तरफ से हमारा चीला सिक चुका है। अब हम इसको पलट लें। देखिए ऊपर से कितना प्यारा कलर आया, आपको मैं पास से दिखा देती हूँ। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको हल्का सा ऑयल डाल करके सेक लेंगे। देखिए दूसरी साइड से भी हमारा चीला कितनी अच्छी तरह से सिक चुका है, कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब हम इसको 1 मिनट तक लो फ्लेम पे सेकेंगे। हमने यहाँ ली है एक सर्विंग ट्रे। चीले पे हम लगाएंगे हंकड़ यानी दही गाढ़ा वाला। डालेंगे हमारी तैयार की हुई स्टफिंग, 1 पिंच नमक, 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में रोस्टेड जीरा पाउडर। डालेंगे टमाटोस केचप। ये देखिए तैयार है हमारा बिल्कुल मस्त सा करारा सा रवा चीला। ये खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। आशा करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप भी अपने अनुभव माँ बेटी के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।